हेलो फ्रेंड्स, आपका गौरव की चाय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम ब्रेड और खोए का रसगुल्ला बनाने वाले हैं। चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम एकदम फ्रेश ब्रेड लेंगे। हम टोटल 11 पीस ब्रेड लेंगे। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा ब्रेड ले सकते हैं। ये देखिए, इसे हम लोग नाइफ की हेल्प से इसका साइड वाला रेड वाला पार्ट को हम लोग को कट कर लेना है इस तरह से। ज़्यादा नहीं कट करना है, बस थोड़ा थोड़ा साइड से हटा देना है। ये देखिए, इस तरह से हम लोग सारे ब्रेड को कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए, देखिए हम लोग सारे ब्रेड को कट कर चुके हैं। ये देखिए, अब हम लोग को इसे एक बोल में इस तरह से तोड़ लेना है सारे ब्रेड को। हम लोग तोड़ लिए। हम लोग दूध लेंगे, एकदम हल्का सा गर्म है। इससे हम लोग अब इसका डो बनाएंगे। जैसे हम लोग रोटी के लिए डो बनाते हैं आटे का, उसी तरह से एकदम बनाना है सेम। और एकदम चिकना सान लेना है इसे कि ये तेल में जाए तो फूटे ना। अगर आप चिकना नहीं सानेंगे तो ये तेल में जाने के बाद फूट जाएगा। और बस इसके सानने के बस हम लोग 5 मिनट के बाद इसका सारा प्रोसेस करना है, वरना फिर ये बहुत टाइट हो जाएगा जब रसगुल्ला बनेगा तो। ये देखिए, हम लोग खोआ ले चुके हैं, ले लिए हैं। अब इस तरह से हम लोग ये वाला डो को बॉल बना लेंगे। इस बॉल में हम लोग इस तरह से होल कर लेंगे और इसमें खोआ डाल देंगे। और फिर इस तरह से हम लोग हल्का सा प्रेस करके इसे बंद कर लेंगे। इस तरह से हम लोग इसका एकदम राउंड बॉल बना लेंगे। ये देखिए, हम लोग सारा बना लेंगे, सबके अंदर में इस तरह से होल करके हम लोग को खोआ डाल के इसे बंद करके एकदम राउंड बॉल बना लेना है। ये देखिए, इस तरह से हम लोग सारा बना लिए हैं। अब चलिए, इसे छानने से पहले हम इसका चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए हम चीनी लेंगे, वे 1/4 कटोरा चीनी है। इसमें हम पानी ले लेंगे उससे थोड़ा सा ज़्यादा। इस तरह से जब हम बॉईल कर लेंगे इसमें थोड़ा सा इलायची डाल देंगे। और हम लोग को इसको ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। ज़्यादा पतला रहेगा तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा रसगुल्ला, ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो ये अच्छे से फूलेगा नहीं रसगुल्ला। इसलिए हम लोग को इसे मीडियम पे रखना है एकदम। तेल में देखते, तेल गर्म हुआ है नहीं, इसे डाल के देखते अगर ये ऊपर आ जाए मतलब तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम लोग जो बॉल बनाए हैं वो डाल देंगे। थोड़ा सा चला ले। ये देखिए, डालने के बाद ही ये तुरंत रेड हो गया है। हम लोग को इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे जल्दी से पका लेना है। अगर इसे हम लोग सीम पे पकाते हैं तो ये फट सकता है, क्योंकि हम लोग को ये ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, थोड़ी देर तक ही पकाना है जब तक कि ये एकदम रेड कलर ना हो जाए। ये देखिए, इसे बीच बीच में चला ले हल्के से, हल्का सा। ये देखिए, इसका कलर कितना अच्छा आ चुका है। इसे हम लोग को अभी और थोड़ा सा पकाना है, क्योंकि इसका भी रेड कलर नहीं हुआ है। ये देखिए, इसे अच्छे से साइड से पलट पलट के अच्छे से पका ले सारे तरफ से, कि ये सारे तरफ से अच्छा कलर आए। ये देखिए, अभी पक चुका है, हम लोग इसे निकाल लेंगे। एकदम राउंड राउंड बॉल्स है, इसे हम साइड निकाल लेंगे। और इसे एकदम गर्म गर्म ही हम लोग को चाशनी में डाल देना है। अगर लेट करेंगे तो फिर अच्छे से फूलेगा नहीं। ये देखिए, इसे निकाल के और चाशनी रखे और उसी में डाल दें, एक एक करके हम लोग डाल देंगे। और इस तरह से हम लोग को थोड़ा सा उसमें से मिक्स कर लेना है कि चाशनी इसके ऊपर चढ़ जाए। और इसे हम लोग को बस 5 मिनट के लिए ढक के रख देना है कि
देखिए जो हम लोग चाशनी बनाए वो अच्छे से बॉल में सोख हो जाए। और ये देखिए हम लोग रसगुल्ला तैयार है, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए अंदर से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें।